नमस्कार, मैं हूं अवंतिका यादव और आप देख रहे हैं मैं बेटी हूं। आज जिस बेटी से हम आपको मिलवाने वाले हैं वो बला की खूबसूरत है और यही वजह है कि इस बेटी को मिस नॉर्थ इंडिया के ताज से भी नवाजा गया है। इस बेटी से आपको मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले की बेटी स्माइली ने सौंदर्य प्रतियोगिता में मिस नॉर्थ इंडिया 2018 का खिताब जीतकर ऊना ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश का नाम भी रोशन किया है। स्माइली शिमला में नर्सिंग की छात्रा हैं। बचपन से ही मॉडलिंग में जाने की इच्छा लिए स्माइली बस से पूरा करने में जुटी रही और मौका मिलने पर इस बेटी ने खुद को साबित करते हुए मिस नॉर्थ इंडिया 2018 का खिताब अपने नाम कर लिया। न सिर्फ मिस नॉर्थ इंडिया 2018 का खिताब स्माइली ने जीता है बल्कि इस बेटी को इस सौंदर्य प्रतियोगिता के दौरान फेस ऑफ हिमाचल और मिस नॉर्थ अर्थ का टाइटल भी मिला है। स्माइली का ये सफर सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है बल्कि अभी तो इस बेटी की हौसलों की उड़ान शुरू हुई है। इस बेटी का अब अगला लक्ष्य मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड का ताज जीतना है। तो आज जिस बेटी से हम आपको मिलवाने वाले हैं वो हमारे साथ यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। स्माइली नाम है आपका, लेकिन स्माइली के साथ ही जो खूबसूरती के साथ स्माइल आती है फेस पे वही नाम आपको सूट भी करता है। तो स्माइली, मॉडलिंग आप करती हैं, कब से आपने शुरुआत की इसकी तरफ? मॉडलिंग में करती जरूर हूँ बट बचपन से ही मुझे बहुत शौक था मॉडलिंग का, एक्टिंग का, सिंगिंग का, डांसिंग का। तो बचपन में मिरर के आगे डांस करना, सिंगिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता था और मैंने कभी सोचा नहीं था कि रियल लाइफ में भी मैं वो सपना जो देखती थी वो आज पूरा कर लूँगी, और ऑब्वियस वो सपना आज पूरा हुआ है मेरा। तो वो कैसे कैसे आपको सीढ़ी मिलती गई या बनाई आपने वो सीढ़ी जो है जब आप यहाँ तक पहुँची हैं? एक्चुअली इंटरेस्ट स्टार्टिंग से ही था बट मदर का कहना ये था कि सबसे पहले स्टडीज़ में अपना फोकस दो क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो स्टडी है। तो धीरे धीरे स्टडी भी करती गई और फिर मदर को लगा कि नहीं, इंटरेस्ट ज़्यादा हो रहा है इसका मॉडलिंग में। तो फिर उनको लगा कि नहीं, उन्होंने मुझे काफ़ी प्लेटफॉर्म्स में ऑडिशंस देते हुए देखा है। तो फिर एक दिन उनको लगा कि नहीं यार, कर रही है बेटी कुछ, तो इनको मॉडलिंग की तरफ भी जाने देना चाहिए, स्टडी भी कर रही हूँ एज यूजुअल। तो फिर साथ ही साथ फिर मॉडलिंग में मेरी मदर ने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे और धीरे धीरे आगे जाती गई, ऑडिशंस देती गई। उसके बाद हिमाचल फैशन वीक में मैंने विनर बनी थी उसमें। उसके बाद मुझे मिस नॉर्थ इंडिया का आया था तो मैंने ऑडिशन दिया था और फिर वहाँ जाके मेरी ग्रूमिंग सेशन एंड ऑल हुई। ग्रूमिंग सेशंस आपकी हुई तो किस तरह से, क्या कुछ रहा उस ग्रूमिंग सेशन के दौरान? एक्चुअली दिल्ली गई थी, दिल्ली में ही मेरा ग्रूमिंग सेशन था। फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे हम लोगों को डे बाय डे बुलाया गया था तो हमारी रोज़ क्लासेस होती थी मॉर्निंग 10 to 6:30 और 7 o'clock PM। तो उसमें हमें सिखाया गया कैसे हमें वॉक करना है, कैसे हमें उठना है, कैसे हमें बैठना है। एज अ लेमन की तरह नहीं सिखाते थे, लाइक तुम लगना चाहिए कि दैट यू आर अ मॉडल। तो उस हिसाब से हमें पूरा ग्रूम किया गया, कौन सी ड्रेस में कैसी वॉक करनी है, कौन सी ड्रेस में स्लो वॉक करनी है, फास्ट वॉक करनी है, कैसे खड़े होना है, कैसे स्माइल देना है। वो पूरा मतलब एक बच्चे को जैसे सिखाया जाता है ए टू जेड, वो पूरा सिखाया गया। तो पूरा अच्छे से ग्रूमिंग जो है वो सबसे पहले कराई जाती है, उसके बाद में कितना ग्रूम्ड आप फील करते हैं, कितना कॉन्फिडेंस डेवलप होता है या कितना वेरिएशन आप देखते हैं खुद के अंदर? उस टाइम मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी होता है ऑब्वियस कॉन्फिडेंस। धीरे धीरे सबसे मिलते हैं, बात करते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। हाँ, मुझे लगा था कि नहीं मैं बहुत अच्छे से मॉडलिंग करती हूँ बट वहाँ जाके पता चला कि नहीं, ग्रूमिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आप एक मॉडलिंग करना चाहते हो। आपका बेस क्लियर बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो हमें बताया अगर किसी चलना है हील्स पे तो नॉर्मल वॉक नहीं होती है, तो बहुत अच्छे से सर ने बहुत अच्छा हमें ग्रूम किया है। चलिए, ग्रूमिंग आपकी काफ़ी हुई और उसके बाद जो है काफ़ी चीज़ें जो है वो आपकी खुद की जो है सुधार उनमें आया क्योंकि आपको लगता था बहुत अच्छी मॉडल है लेकिन वहाँ जाके जो है चीज़ें क्लियर हो गई। लेकिन स्माइली, आपने कहा कि स्टडीज़ आप कर ही रही हैं साथ में अभी, लेकिन साथ में मॉडलिंग की तरफ भी आप बढ़ गई हैं। तो स्टडीज़ की अगर बात करें तो नर्सिंग आप कर रही हैं, लेकिन अब नर्सिंग कम्प्लीट करना है या मॉडलिंग की तरफ पूरा चले जाना है? नहीं, मुझे अपनी नर्सिंग भी कम्प्लीट करनी है क्योंकि मॉडलिंग के साथ साथ स्टडी भी ज़रूरी है। ऑब्वियस मेरे पास होने को चाहिए कि हाँ, आई एम अ नर्सिंग स्टूडेंट और मैं नर्स भी हूँ, साथ ही साथ मैं मॉडलिंग भी कर रही हूँ। तो नर्सिंग में सिर्फ इतना ही करना है या आगे भी कुछ और करना है?
अब नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद हाँ शायद अब्रॉड का मैंने या फिर मॉडलिंग तो आप कर ही रही हैं, एक्टिंग की तरफ रुक कर लेंगे। हाँ एक्टिंग की तरफ बिल्कुल, अगर मेरा बेस पूरा क्लियर हो जाता और मुझे लगता है कि नहीं मुझे आगे एक्टिंग में स्कोप बहुत ज़्यादा है या मिलेगा तो मैं ज़रूर एक्टिंग की तरफ भी जाऊँगी। एक्टिंग की तरफ भी जाएंगी लेकिन नर्सिंग के साथ में क्योंकि पढ़ाई बहुत मुश्किल होती है तो उस बीच में मॉडलिंग के लिए समय निकालना कितना मुश्किल रहा? हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका। एक्चुअली मेरे टीचर्स, मेरा कॉलेज का पूरा स्टाफ मुझे इतना सपोर्ट करता है कि मुझे ये सोचने का टाइम ही नहीं लगा कि मैं कॉलेज से बाहर कैसे निकलूँगी, क्योंकि मुझे जब भी मैंने उनको बोला है कि मुझे मैम ऑडिशन के लिए जाना है या मैम मुझे मॉडलिंग के लिए जाना है, मुझे खुद बोला गुड बेटा तुम जाओ और हमारा नाम भी रोशन करो, जितना इंपॉर्टेंट नहीं है एटलीस्ट तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात है। मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे कॉलेज। चलिए टीचर्स से आपको सपोर्ट मिला लेकिन क्या कुछ वजह जो है वैसी देखी जा रही है कि जो डॉक्टर्स हैं जो नर्सेज हैं वो मॉडलिंग की तरफ काफ़ी बढ़ रहे हैं आगे? एक्चुअली कई बार लोग बोलते हैं ना कि नहीं ये डॉक्टर है अच्छा ठीक है, हाँ डॉक्टर ही है अच्छा ठीक है नर्स ही है, तो मुझे लगा कि शायद उनको ये लगा अच्छा तुम हमें डॉक्टर नर्स बोलते हो नहीं हम ऑल ओवर कर सकते हैं तो तुम हमें मॉडलिंग में भी देखो। यानी ग्लैमरस जो है वो डॉक्टर्स में भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो मॉडल लाइन वालों के लिए या मास कम्युनिकेशन वालों के लिए बनी है, सबके लिए बनी है, तो हम लोगों को भी अपना दिखाना था तो हम दिखा रहे हैं, तो इसीलिए मॉडलिंग की तरफ रुख करने। किसको आप अपना इंस्पिरेशन मानती हैं? सबसे पहले तो मेरी मदर, मेरी फैमिली जो कि मुझे बहुत सपोर्ट कर रही हैं, साथ ही साथ मुझे मोटिवेट भी बहुत कर रही हैं। सेकेंडली मेरे फैमिली फ्रेंड्स जो कि मुझे साथ साथ मेरी मम्मा को भी मोटिवेट कर रहे हैं कि नहीं आपकी बेटी में टैलेंट है तो प्लीज़ आप उनको भेजिए, तो उसमें मैं सबसे पहले श्रेय देना चाहती हूँ सांची दी को। उन्होंने मेरी मम्मा को भी बहुत सपोर्ट किया, इवन मुझे भी, इवन मेरी ड्रेसेस वगैरह चूज़ करनी होती है तो बहुत साथ देते कि हाँ नहीं दी प्लीज़ आप इसको जाने दो उसको करने दो। सेकेंडली जब मेरा फर्स्ट ऑडिशन हुआ था तो अनिल मौदगिल हैं भैया हैं वो मुझे खुद अपने साथ लेके गए थे कि नहीं मैं चलता हूँ तेरे साथ तो चल, मुझे वहाँ पे भी अच्छा लगा कि नहीं मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे मासी जी, मिसेस मुकेश सब हैं, मेरे सारी फैमिली मेंबर्स हैं। चलिए आपका पूरा परिवार ने मतलब आपका साथ दिया इस करियर की तरफ आपको आगे बढ़ने में। लेकिन जब शुरुआत कर रहे थे आपकी, आपका एक रुझान था मॉडलिंग की तरफ, तो तब कहीं किसी ने रोकने की कोशिश की आपको? बिल्कुल, फैमिली तो बिल्कुल पहले सपोर्ट नहीं करती थी क्योंकि मैं करती थी तो जैसे सबकी थिंकिंग होती है कि नहीं मॉडलिंग लाइन नहीं है ऐसी अच्छी, तो फैमिली भी बोलती थी क्योंकि मैंने 8th 9th में सोचा था कि नहीं मुझे मॉडलिंग लाइन में जाना, तो पेरेंट्स को लगा कि नहीं स्टडी ख़राब हो जाएगी मॉडलिंग की तरफ चली जाएगी तो स्टडी नहीं होगी, तो मुझे बोलते थे कि नहीं कोई स्टडी नहीं कोई मॉडलिंग नहीं करनी है स्टडी इंपॉर्टेंट है अब तुम पढ़ाई की तरफ ध्यान दो इधर उधर ध्यान नहीं देना, तो मुझे लगता था कि नहीं यार मेरा सपना कभी पूरा होगा भी या नहीं। तो मैं जब भी टीवी में किसी कोई मॉडलिंग शो देखती थी या रियलिटी शो देखती थी तो जब वहाँ पे वो विनर बनते थे ना मेरे अंदर से आवाज़ आती थी और मेरे रोना निकल जाता था कि अगर आपने मुझे यहाँ भेजा होता तो आज मैं वहाँ होती, तो पेरेंट्स को नहीं ट्रस्ट होता तब क्योंकि पढ़ रहे होते हैं छोटे उनको पता है बच्चे हर कुछ बोलते हैं। फिर मैं हमेशा बोलती थी कि देखना आप भी मुझे एक दिन टीवी पे देखोगे, देखना आप भी मुझे न्यूज़पेपर में देखोगे तब पता चलेगा कि आपकी बेटी में टैलेंट क्या है। और जब न्यूज़ में अभी आने लगा तो मैंने बताया मम्मा देखो मेरी बात सच होगी मैं टीवी पे आ रही हूँ और आप लोग मुझे देख रहे हो। बिल्कुल आज प्राउड तो पूरा परिवार आपके साथ, बहुत प्राउड पूरा परिवार, तो क्या रास्ते में भी लोग रुक रुक के स्पेशली बोल रहे कांग्रेचुलेशन स्माइली, तो बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं स्माइली की जो जिंदगी थी मिस नॉर्थ इंडिया बनने से पहले और बनने के बाद में कितनी चेंज हो गई है? पहले तो कुछ ऐसे भी थे जो देख के टर्न कर लेते थे क्योंकि नॉर्मल इंसान थे, तो मैं तो फिर भी वैसी थी अपना जाना आराम से, तो लेकिन मिस नॉर्थ इंडिया के बाद उन लोगों के कॉल्स भी आए जो एक्सपेक्टेड नहीं थे, उन लोगों का मुझे कॉन्ग्रेट्स भी आया, मतलब मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। स्पेशली मेन थिंग कि मुझे अपनी लाइफ में अपनी पेरेंट्स को प्राउड फील कराना था, वो मैंने मुझे लगता है कि मैंने करा दिया। साथ ही एक रिकॉग्निशन भी आपको मिल गया, आप लोग पहचानते हैं बहुत अच्छे से, इवन वो बोलते हैं हाँ वो देखो वो जा रही है वो लड़की वो डिलेक्स वालों की बेटी जा रही है वो जा रही है स्माइली, मुझे बहुत अच्छा लगता है बहुत अच्छा लगता है जी। लेकिन स्माइली साथ ही क्योंकि अब पहचान आपको मिल गई है सही, आपका नाम जो है स्माइली नाम है, आपको स्माइली के लिए एक आई थिंक अवार्ड भी मिला था, टाइटल कुछ मिला है ऐसा ना? वो एक्चुअली न्यूज़ वालों ने लिखा है स्माइली की स्माइल बहुत खूबसूरत है कुछ करके, टाइटल्स मुझे मिले हैं मिस नॉर्थ यूनिवर्स का, मिस नॉर्थ अर्थ और फेस ऑफ हिमाचल का मुझे मिला है। फेस ऑफ हिमाचल का, मिस नॉर्थ अर्थ का जो है टाइटल मिला है, साथ ही मिस नॉर्थ इंडिया, तो स्माइली बन ही गई है। आगे अब मॉडलिंग में क्या कुछ तैयारी है? अब मैं मिस इंडिया और मिस यूनिवर्स के लिए अपना पूरा पूरा स्ट्रगल करूंगी, पूरी मेहनत करूंगी और मैं चाहती हूं कि मैं उस स्टेज को भी विन करूं, अपने पूरे इंडिया को प्राउड फील कराऊं। चलिए इंडिया को प्राउड फील कराएं, हम भी चाहते हैं कि स्माइली जो है वो इंडिया को प्राउड फील कराएं, उनका परिवार जिस तरह से आज उनके ऊपर गर्व महसूस करता है वैसे ही पूरा देश भी उनके ऊपर गर्व महसूस करे जब वो मिस इंडिया मिस वर्ल्ड का ताज जीत कर जो है वो वापस देश लौटे।
स्माइली आपकी हॉबीज के बारे में भी हम जानना चाहेंगे, हम नहीं बल्कि हमारे सभी दर्शक जानना चाहेंगे कि स्माइली जो मिस नॉर्थ इंडिया बन गई है, जो आगे तैयारी कर रही है मिस इंडिया जीतने का खिताब और साथ ही मिस वर्ल्ड जीतने का, उनकी हॉबीज क्या है और साथ ही डेली रूटीन आपका क्या रहता है? मेरी हॉबीज है सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, मॉडलिंग, सब करती हूँ। चलिए सिंगिंग आपको पसंद है तो कुछ जरा दो लाइन हो जाए, कुछ गुनगुनाना चाहेंगे आप? कौन पसंद है आपको सिंगर में से? मुझे सारे सिंगर्स पसंद है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए किसी का फिर कुछ दो लाइन हो जाए, अगर सिंगिंग पसंद है तो यहाँ पर सुनाना पड़ेगा दर्शकों को। एक सपना है मेरा सपने विच दुहावे, मैं तेरे हो जावा तू मेरा हो जाए। एक सपना है मेरा सपने विच दुहावे, मैं तेरी हो जावा तू मेरा हो जाए। लेकिन स्माइली एक वक्त ऐसा भी आया कि कुछ इंसिडेंट आपके साथ हो गया था, मिस नॉर्थ इंडिया के लिए ही जाना था आपको, और लेकिन क्या हो गया था? एक्चुअली मैंने बहुत ट्राई किया था अपना मिस नॉर्थ इंडिया के लिए सिलेक्ट होने में, ऑडिशन भी दिए थे, तो मुझे लगा सब कुछ ठीक हो गया, मैंने काफ़ी शॉपिंग करी अपना, मतलब पूरा रेडी हो गई थी मैं बिल्कुल कि हाँ मैं जा रही हूँ मैं जा रही हूँ। तो एक्चुअली मेरे घर पे थोड़ा सा मिस हैपनिंग हो गई थी, डेथ हो गई थी मेरे घर पे, बिल्कुल अगले दिन मुझे जाना था और उस मिस हैपनिंग की वजह से मैं नहीं जा पाई थी, तो मैं बहुत रोई थी बट क्योंकि मुझे लगा था कि हाँ मैं अपने सपने तक पहुँच गई हूँ और अब जा रही हूँ, तो वो जब सपना टूट जाता ना तो बहुत बुरी तरीके से, जिसके लिए आपने बहुत टाइम से सोचा हो। फिर उसके बाद एक साल बाद दोबारा से मुझे सर की कॉल आई, खुद कॉल आई, और मैंने सर ने मुझे बोला कि हम दोबारा से मिस नॉर्थ इंडिया करा रहे हैं और तेरा ऑडिशन अभी भी मेरे पास पड़ा है और मैं दिल से चाहता हूँ कि तू उस ऑडिशन को करेगी, मुझे पता है तुझमें वो टैलेंट है, तू कर सकती है। जीतना हारना इम्पॉर्टेंट नहीं होता, उस स्टेज पर परफॉर्म करना बहुत बड़ी बात होती है। तो मुझे एक अच्छी सी पॉजिटिव वाइब्स मिली और फिर मैंने दोबारा मम्मा को बोला कि नहीं मम्मा ऑडिशन आ गया, मुझे जाना है, अब मुझे जाना है, वो प्लेटफॉर्म मुझे बुला रहा है। तो अब दोबारा फिर मैंने ऑडिशन दिया, मैं सिलेक्ट हुई, मैं टॉप 40 में आई, उसके बाद मैं टॉप 5 में आई, क्वेश्चनिंग राउंड हुई, देन मैं विनर बन गई। जब वो ताज पहनाया गया आपको तो क्या कुछ फीलिंग्स आई सबसे पहले मन में? जैसे मेरा नाम अनाउंस हुआ तो मेरी हार्ट बहुत फास्ट हो गई थी और मुझे सबसे पहले ख्याल मेरी मदर का आ रहा था कि वो देखो मेरी माँ मुझे वहाँ देख रही है और मुझे क्राउन पहना रहे हैं मुझे, और मेरी मम्मा को कितना प्राउड फील हो रहा होगा और मुझे भी बहुत अच्छा कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरी मॉम भी बहुत खुश हो रही होगी। आपकी मम्मा से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ? बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ, मेरी हर जगह पे, हर मुश्किल पे, हर जगह उन्होंने मेरा इतना साथ दिया है, मैं बता नहीं सकती कि मैं शायद अपने वर्ड से भी नहीं बता सकती कि उन्होंने मेरा कितना साथ दिया है। जो कुछ हूँ, जैसी हूँ, आज जो भी हूँ, सिर्फ उन्हीं की वजह से। लेकिन स्माइली आप ऊना से आती हैं, हिमाचल प्रदेश के ऊना से स्माइली हैं, ऊना में सेक्स रेशियो जो है वो बहुत अच्छा नहीं है, बहुत कम है सेक्स रेशियो, और ऐसी जगह से एक बेटी को निकल कर आगे आना जहाँ पर अब हिमाचल प्रदेश का पूरे का नाम रोशन कर रही है स्माइली, तो वो मुश्किल रहा? हाँ, वहाँ पे मतलब मोटिवेट नहीं करते हैं लड़कियों को, नहीं तुम ये हो, अच्छा तुमने ये करना है, ऐसे करना है, तो नहीं तुम कुछ कर नहीं सकती, तो बहुत मुश्किल होता निकलना क्योंकि छोटा सा शहर है, लोगों की बातें ऐसी होती हैं अजीब सी कि वो मोटिवेट नहीं हो पाता और डिमोरलाइज हो जाते एकदम ही, तो थिंकिंग ही लड़कियों के दिमाग में ऐसी आ जाती है यार नहीं अगर ऐसा करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, लोगों का काम बोलना है, तुम करोगे वो तब भी बोलेंगे, यानी आप नहीं करवाने की लोगों की बिल्कुल भी नहीं, क्या कहता है? बिल्कुल भी नहीं, अरे जब फैमिली सपोर्ट कर रही है तो दूसरों को क्या लेना देना, हमें अपने फैमिली को प्राउड कराना है। जो लोग बोलते थे ना कि अच्छा ये लड़की वहाँ जा रही है मॉडलिंग करी, आज वही बोल रहे नहीं ये हमारी बेटी है, तो अच्छा लगता है। नेगेटिविटी तो मैं कभी सोचती नहीं, हमेशा पॉजिटिव ही सोचा है, तो उनके थॉट्स को भी मैं पॉजिटिव लेके, और मैं सोचती हूँ कि ऐसे लोग होने चाहिए। देखिए कहीं ना कहीं ऐसी नेगेटिव थॉट्स आपके आसपास थी, उसी से आपको एक्स्ट्रा मोटिवेशन जो है वो मिला कि ऐसे लोग होने चाहिए, थॉट्स चेंज करने। हाँ, तभी हम लोगों को यू नो आता, अच्छा ठीक है तुम्हारी ये थॉट है तो हम इस चीज़ को चेंज करेंगे, ओके कोई बात नहीं। चलिए ये जो है स्माइली ने, क्योंकि इसको बहुत पॉजिटिव वे में लिया, जब लोग डीमोटिवेट करते थे तो स्माइली ने उसको पॉजिटिव वे में लिया कि कैसे इसको पॉजिटिव करना है। स्माइली लेकिन नॉर्थ इंडिया के लिए जाने के लिए, मॉडलिंग में जाने के लिए, खुद को फिट रखने के लिए क्या कुछ करती हैं आप? हाँ एक्चुअली इस बार मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, मेरी मम्मा ने मुझे जिम ज्वाइन कराया था। हाँ, और मेरी मम्मा ने मेरी अच्छी सी डाइट प्लान करी थी, और जिम जो जहाँ मैं जिम जाती थी उन्होंने मेरा अच्छा काफ़ी डाइट प्लान किया था, तो उसके अकॉर्डिंग मैं चलती थी, जिम जाती थी और वॉक करती थी,
अच्छा डाइट से खाना लेती थी, बिल्कुल प्रॉपर टाइमिंग, जिम और डाइट अब रूटीन में आ गया. एक्चुअली थोड़ा कॉलेज के कारण मुझे ये जिम का थोड़ा नर्सिंग, आपको पता है टाइमिंग नहीं हो पाता इतना मैच, बट स्टिल मैं कोशिश करूंगी कि हाँ मैं उस डाइट के हिसाब से चलूँ बिल्कुल. लेकिन साथ ही स्माइली, क्योंकि हम चाहेंगे कि एक संदेश भी आप यहाँ पर दें, जो बेटियाँ हैं जो सोचती हैं मॉडलिंग की तरफ जाना है, मॉडलिंग की तरफ इंटरेस्ट तो है लेकिन करें कैसे, वो दिशा जो है वो नहीं मिल पाती, ऐसी बेटियों को संदेश आप देना चाहें आज? बिल्कुल, मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि आपके अंदर वो मॉडलिंग है या कोई भी फील्ड है, उसके लिए ये मत सोचो कि हम लोग क्या बोलेंगे. अगर आप खुद के स्किल्स को बाहर निकालोगे आप तभी उस चीज़ को प्रूव कर पाओगे, अदरवाइज आप प्रूव नहीं कर पाओगे. लोगों का इंतजार करते रहोगे तो सारी उम्र वहीं रह जाओगे, कहीं बाहर नहीं निकल पाओगे. तो छोटे से स्टेज से ही सही अपने स्किल्स को बाहर निकालो, खुद के कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाओ और देखो कि नहीं दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है. क्योंकि अगर उस छोटे लेवल से आप स्टार्ट करोगे ना, वो जाते 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 आपको इतना हाई लेवल दे देता है ना कि दुनिया आपको एक आपके नाम से जानती है. तो दुनिया की परवाह नहीं करनी चाहिए, अपना जो सपना है वो एक ठान लो और बस उसी दिशा में आगे बढ़ते रहो. दुनिया की परवाह करोगे तो लोग पीछे जो है खींचने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन हाथ उठाकर आगे बढ़ाने वाले लोग जो है वो जिंदगी में बहुत कम मिलेंगे. इसीलिए जो तमाम बेटियां हैं जो सपने संजो कर बैठी हैं, उन्हें बस आगे बढ़ना चाहिए अपनी दिशा की तरफ, और साथ ही रास्ता जो है वो खुद ब खुद आपको बनता हुआ नजर आएगा. फिलहाल मैं भी टीम में आज के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते आपकी मुलाकात कराएंगे एक और ऐसी ही जुनूनी बेटी के साथ. दीजिए इजाजत, नमस्कार.